प्रयागराज में स्कूली छात्रों का सड़क पर जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। कार के सनरूफ और विंडो से निकलकर किया स्टंट, छात्रों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा के तीन नेता पार्टी से निष्कासित, संदीप तितोरिया, सतीश बंजारा को पार्टी से निकाला गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सिकेंद्र आचार्य भी हटाए गए। निकाय चुनाव की हलचल के बीच अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत के में बोली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सपा सिर्फ परिवारवादी पार्टी, सपा की वजह से टले निकाय चुनाव। गोरखपुर में संगोष्ठी का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा बड़ा है, हर जरूरतमंदों के साथ खड़ी है सरकार। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उठाए सवाल, लिखा भाजपा सरकार के मंत्री घर दुकान के नक्शे के हो जांच। प्रयागराज शूटआउट केस में जांच एजेंसियां ने बढ़ाया जांच का दायरा। उमेश पाल के हत्यारों की तलाश छापे तेज और राजू पाल हत्याकांड में 18 साल से फरार शूटर अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हुई कुर्की, 18 दुकानों को किया गया कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट ने दिया था आदेश। माफिया अतीक अहमद को लेकर बोले भाजपा सांसद साक्षी महाराज, गुंडों का इलाज पुलिस की गोली और गुंडों का नहीं हो कोई जाति धर्म का मजहब। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा गांधी परिवार ने नहीं समझी अमेठी की जनता की पीड़ा, अमेठी की दीदी बनना मेरे लिए गौरव की बात। ईडी और सीबीआई पर विपक्ष के सवालों पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिसका दामन साफ है उसे जांच एजेंसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव की तैयारी में जुटे शिवपाल यादव, इटावा में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ की बैठक, 18 मार्च को इटावा में होना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव। दुनिया को क्षय रोग अनुमूलन के नए राह दिखाएगी काशी, 24 से 26 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यूपी में आज आईपीएस अधिकारियों के तबादले, प्रवीण कुमार को आईजी अयोध्या की जिम्मेदारी, नचिकेता झा आईजी मेरठ रेंज बने हैं, आईजी दीपक कुमार को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीयूष मोडिया बने एडीजी जोन लखनऊ और उपेंद्र अग्रवाल को दी गई ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ की जिम्मेदारी। इसके साथ ही अमित वर्मा ऊपर पुलिस आयुक्त कानपुर बनाए गए। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, हैलेट अस्पताल के 3 वार्डों में मिले एक्सपायरी इंजेक्शन, नष्ट करने की जगह अलमारी में सुरक्षित रखे गए थे इंजेक्शन। कौशाम्बी में मैजिस्ट्रेट लिखी बोलेरो कार का हुआ एक्सीडेंट, बोलेरो में सवार 6 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। लखनऊ में मिल एरिया में एक पेंट फैक्ट्री में हुआ गैस रिसाव, मनाली पिगमेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव से आसपास के कई लोग बेहोश। गोंडा में आग की चपेट में आने से कई दुकानें हुई राख, आग लगने से लाखों की नुकसान की आशंका, कोतवाली क्षेत्र के मौर्यनगर चौराहे की घटना। संभल में गैस रिफिलिंग करते समय कार में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, चंदौसी कोतवाली इलाके का मामला। हापुड़ में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से दुकान में लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दुकान के बाहर बैठे संदिग्ध व्यक्ति द्वारा आग लगाने की आशंका, थाना हापुड़ देहात के असौड़ा की घटना। मेरठ में गंगनहर में पूजा करने के दौरान डूबने से मां बेटी की मौत, गोरख गोताखोरों ने दोनों के लाश को किया बरामद। शामली में 3 युवकों की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद परिजनों से मिली आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और जयंत ने पीड़ित परिवार को ढांढस बांधते हुए शोक संवेदना जताई। फरुखाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मौत, मंदिर में दर्शन कर घर लौट रहे थे और इस वक्त हुआ हादसा, पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में लिया। रायबरेली में रामचरितमानस की चौपाइयों से छेड़छाड़ करने वाले को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और दोनों आरोपी गांव के दीवारों पर लिखते थे अमर्यादित टिप्पणी। गोरखपुर में बेटी ने पिता की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी, धड़ और सिर ट्रॉली बैग में रखकर सड़क पर फेंका, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। अमरोहा में किसान का भूमाफियाओं पर जमीन कब्जा करने के लिए रातों रात फसल के उजाड़ने का आरोप और पीड़ित महिला ने भूमाफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई की मांग।
गाजियाबाद पंचशील कॉलोनी के पास मिली 6 साल की बच्ची की लाश, बच्ची के सिर पर दिखे चोट के निशान, दुष्कर्म के बाद जताई जा रही है हत्या की आशंका। प्रतापगढ़ में रास्ते में निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, लगभग 3 महीने से चल रहा था विवाद, फतनपुर में की घटना। ललितपुर में गेहूं की फसल काटते समय खेत में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू, थाना पाली के गांव राजौरा का मामला। ललितपुर की थाना मडावरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार, उनके पास 10 किलो गांजा सहित स्विफ्ट डिजायर कार बरामद। फतेहपुर पुलिस ने अपहरणकर्ता के चंगुल से बच्चे को सकुशल किया बरामद, आरोपी को 2 देसी बम के साथ पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा, पिता के दोस्त ने अपहरण कर मांगी थी 1 लाख की फिरौती। आगरा पुलिस की खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मिट्टी का अवैध खनन करते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके से 1 JCB और 2 ट्रैक्टर की भी जब्त किया। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली, पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, थाना कुरावली क्षेत्र के गैलानाथ पुल के पास की घटना। आगरा में 11 मुकदमों से संबंधित 5600 लीटर शराब को किया गया नष्ट, थाना शमशाबाद पुलिस टीम ने की कार्रवाई। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम पुलिस ने रेकी कर 10 सेकंड में गाड़ी चुराने वाली गिरोह का किया खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के 6 सदस्य, इनके पास से 3 कार और 3 नंबर प्लेट भी बरामद हुई। अमरोहा पुलिस ने गो तस्कर की संपत्ति को किया कुर्क, आरोपी ने गोकशी कर अर्जित की थी संपत्ति। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में पुलिस ने कराई मुनादी, आरोपी की 33 लाख की संपत्ति की गई कुर्क, थाना डिडौली के गांव भवालपुर का है मामला। रायबरेली में 16 साल के नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थिति में खेत में मिला, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, डी थाना क्षेत्र की ये घटना। इटावा में दंपति ने फांसी लगाकर दी जान, पारिवारिक कलह हो सकती है खुदकुशी की वजह, भरतना इलाके के दासीपुर गांव की घटना। गोंडा में चर्चित जमीन घोटाले में SIT कर रही है लगातार कार्रवाई, मास्टरमाइंड ब्रजेश अवस्थी सहित उनके गैंग के 4 साथियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज पुष्कर का पुरस्कार का किया आयोजन और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। खटीमा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 1 युवक और 1 महिला की मौत, हादसों में 1 युवक भी हुआ घायल और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गैरसैंण विधानसभा भवन में किया हवन, अध्यक्ष बनने के बाद गैरसैंण में पहला सत्र आयोजित कर रही हैं ऋतु खंडूरी। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विधानसभा का घेराव करेगा पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, 13 मार्च से गैरसैंण से होने वाले विधानसभा सत्र का करेगा घेराव। हरिद्वार में भैंस चोरी मामले में हुआ खुलासा, चोरी में शामिल 5 लोग गिरफ्तार, घटना में उपयोग किया गया छोटा हाथी भी बरामद, कोतवाली रानीपुर क्षेत्र का है मामला। रुड़की में ऊर्जा निगम के बकाया वसूली अभियान में आई तेजी, 5000 से ज्यादा पुराने बकायेदार को के काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। रुद्रप्रयाग जिले के चिरबटिया में नेचर फेस्टिवल का आयोजन, नेचर फेस्टिवल में नाइट कैंपिंग कर पक्षी विशेषज्ञों ने जुटाई जानकारी, कठपुतली मंचन रहा आकर्षण का केंद्र। लोक गायिका नेहा राठौर के यूपी में काबा का मंत्री संजय निषाद ने किया दिया जवाब, कहा कुछ नहीं था तो क्यों किया यूपी में शादी, यूपी वो चीज है, वो जगह है जो पूरी दुनिया के निवेशकों को एक साथ ला रहा है। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमेठी सांसद ने विधायक के घर जाकर नए युगल जोड़े को दिया आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में गंगा जी में दूषित पानी आने के कारण साधु संतों में भारी रोष, नाराज साधु संतों ने गंगा में खड़े होकर किया प्रदर्शन। पीलीभीत में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया बाघन का रेस्क्यू, बीते 20 दिनों से जंगल के बाहर खेतों में घूम रही थी बाघन। इटावा चंबल किनारे बसे गांव में तेंदुए की दहशत में ग्रामीण, आए दिन किसानों और जानवरों पर तेंदुए के होते रहते हैं हमले, लाठी डंडों और बल्लम के सहारे ग्रामीण निकलने पर है मजबूर। बिजौर में गुलदार की दहशत से खौफजदा हैं ग्रामीण और सड़क पर दौड़ रहे हैं गुलदार के ग्रामीणों ने बनाई वीडियो। नोएडा में ISTMS से 10 महीने में
2,24,000 का ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। 200 से ज्यादा केस सॉल्व करने में मिली मदद। 10 महीनों में 200 से ज्यादा केस में मिली कामयाबी। गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में किसान अपने आलू को बेचने की जुगत में लगे हुए हैं। किसानों ने बताया उनका आलू के एक एक क्विंटल 800 प्रति लागत से बना। यूपी में इन्फ्लुएंजा को लेकर नए सिरे से गाइडलाइंस की तैयारी की जा रही है। गाइडलाइंस सोमवार को की जाएगी जारी। अस्पतालों में दवा और बेड की व्यवस्था की जा रही है सुनिश्चित। आगरा में बढ़ रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा। जिला अस्पताल में इस तरह के मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। डॉक्टरों ने खास सावधानी बरतने को कहा। ताज नगरी में भी दिख रहा वायरस का प्रकोप। संक्रमण को लेकर चिंतित है स्वास्थ्य महकमा। डॉक्टर कर रहे हैं सावधानी बरतने की अपील। यूपी में फिर बदलेगा मौसम। लखनऊ समेत कई जिलों में कल से बूंदाबांदी के आसार। तापमान में भी मामूली गिरावट की आसार। यूपी के जेलों में तिहाड़ जेल की तरह नई तकनीक के मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के कारागार विभाग को दी सलाह। जल्द पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जेलों में इसे लगाने की कवायद शुरू होगी। लखनऊ में अवैध निर्माण पर सरकार की सख्त कार्रवाई की तैयारी। अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। ताजमहल का रात में दीदार करना होगा आसान। तत्काल ऑनलाइन टिकट बुक कराने की कवायद शुरू। व्यवस्था शुरू होते ही उसी दिन ऑनलाइन टिकट बुक कराकर देख सकेंगे ताजमहल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।